आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें जो प्रश्न दिया गया है कि छोटे घर के पावर परिपथ में प्रयुक्त विद्युत फ्यूज की सामान्य क्षमता क्या होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि हम परिपथ बना लेते हैं। तो हमारा परिपथ बन चुका है, अब आगे का कार्रवाई हम करते हैं। देखिए, फ्यूज का काम क्या होता है कि हमारा जो लोड है, लोड में कुछ भी हो सकता है, टीवी, फ्रिज, बल्ब, कोई भी आपका यंत्र जो विद्युत के प्रयोग से चलता है, उसकी रक्षा करना। फ्यूज का मेन काम यही होता है। तो वो कब, जब किसी भी परिस्थिति में, जब लघु पतन हो जाए या फिर किसी भी तरीके से, जब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तार गलती से सट के यहाँ से लघु पतन हो गया, तो जब लघु पतन हो जाएगा तो इसमें जो धारा है वो ज्यादा प्रवाहित होने लगेगी, जिसके वजह से इस फ्यूज में जो धारा है वो ज्यादा प्रवाहित होगी। तो हम जानते हैं कि एच बराबर होता है आई वर्ग टी। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि जैसे ही धारा ज्यादा होगी कि हमारा जो हीट जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा, और हीट के कारण जो है ये पिघल के ये जो परिपथ है ये टूट जाएगा, और परिपथ टूट जाने की वजह से जो हमारा जो लोड है, ये कोई भी यंत्र हो सकता है, वो हमारा बच जाएगा। लेकिन प्रश्न में हमसे जो पूछा गया वो यह नहीं है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि क्षमता क्या होगी जो छोटे घर के पावर परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो छोटे घर में सामान्यतः हम जो यंत्र प्रयोग करते हैं वह है बल्ब, पंखा, मोबाइल का चार्जर इत्यादि। तो ये सब जो हम प्रयोग करते हैं तो ये सब 5 एम्पियर के अंदर आ जाता है। तो जो हम फ्यूज प्रयोग करते हैं उसकी शक्ति, मतलब फ्यूज को मापने का जो इकाई यहाँ पे है, वो 5 एम्पियर के फ्यूज से हम मेरा हमारा काम चल जाता है छोटे घरों में। इसका जवाब हो जाएगा 5 एम्पियर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।